जापान में भूकंप की वजह से भारी तबाही देखने को मिली है। कई इमारतें जमींदोज हो गईं तो कई जगहों पर सड़कों में दरारें पड़ गईं। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि समंदर किनारे खड़े लोग एक बड़ी लहर की चपेट में आ गए। इस दौरान कई लोग भागकर अपनी जान बचाते हुए नजर आए, लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आए, देखिए रिपोर्ट। नए साल के पहले ही दिन जापान में 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया। इसमें अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग लापता हो गए हैं। बचाव दल लगातार लापता लोगों की तलाश में जुटा है। भूकंप की वजह से कई इमारतें भी जमींदोज हो गई हैं। अब इसे भूकंप से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि समंदर किनारे खड़े लोग एक बड़ी लहर की चपेट में आ गए। इस दौरान कई लोग भागकर अपनी जान बचाते हुए भी देखे गए। एक वेरिफाइड यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि जापान में भयावह स्थिति है, सुनामी का अलर्ट है। इसी दावे के साथ ये वीडियो एक और यूजर ने भी शेयर किया। यूजर ने लिखा, भूकंप और सुनामी के बाद जापान में लोगों के लिए प्रार्थनाएं। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है ये जानना जरूरी हो गया था। जापान की धरती एक बार फिर नए साल 2024 के पहले दिन भीषण भूकंप से दहल उठी। वहां 7.4 रिक्टर स्केल का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप के बाद समुद्र का जलस्तर डेंजर लेवल तक पहुंच गया। इशिकावा में भूकंप के बाद सुनामी आ गई थी। वाजिमा शहर में करीब 4 फीट ऊंची लहरें उठी थी। लेकिन वायरल वीडियो जापान के हालिया भूकंप से ही जुड़ा हुआ है, इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। ऐसे में हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा, साथ ही वीडियो में आ रही आवाजों को भी ध्यान से सुना। आवाजें अंग्रेजी भाषा में आ रही थी, मतलब अगर वीडियो का संबंध जापान से है तो कहीं ना कहीं जापानी लैंग्वेज सुनने को जरूर मिलती, लेकिन ऐसा पूरे वीडियो में कहीं नहीं सुनाई पड़ा। यहीं से वायरल वीडियो की सत्यता पर हमें संदेह हुआ, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि वायरल वीडियो के पीछे की आखिर असली कहानी है क्या। हमारा दूसरा सवाल इसी वीडियो को लेकर ये कि कहीं पुराने किसी वीडियो को जापान के हालिया भूकंप से जोड़कर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। इसी का फैक्ट चेक हमने किया, देखिए। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने अपनी तहकीकात शुरू की। वायरल वीडियो का सच जानने के लिए हमने इसके की फ्रेम्स को गूगल पर रिवर्स सर्च किया और सर्च करने पर हमें ये वीडियो खबर के साथ कई इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 दिसंबर का ये वीडियो अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया का है, जहां अचानक विशाल काय लहरें समंदर के बीच से टकरा गईं। इस दौरान कई लोग लहरों की चपेट में आ गए। तूफान के कारण उठी लहरें इतनी ज्यादा तीव्र थीं कि इसका पानी शहर के भीतर लोगों के घरों में घुस गया और सड़कें डूब गईं। पड़ताल के दौरान हमें ये वीडियो इसी खबर के साथ एक अमेरिकी मीडिया प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर भी मिला। साफ है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के साथ किया जा रहा दावा पूरी तरह से गलत है। ये वीडियो जापान का नहीं बल्कि अमेरिका के कैलिफोर्निया का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।